ये रहा सेकंड पार्ट, डस्ट ऑफ स्नोर से क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। टाइम कम होने की वजह से मैं सिर्फ आपके सामने क्वेश्चन पढ़ दूंगा क्योंकि टाइम कम है, और आप आंसर का स्क्रीनशॉट लेकर आंसर दे सकते हैं। पहला क्वेश्चन आता है व्हाट इज डस्ट ऑफ स्नोर, डस्ट ऑफ स्नोर क्या होती है, तो आप सीधे जानते हैं फाइन पार्टिकल्स ये होती है। आप इसके क्वेश्चन आंसर को पढ़ सकते हो डिटेल में। अब हम सीधे ही क्वेश्चन नंबर 28, क्योंकि पिछला पार्ट आप देख चुके होंगे, तो पोएट को मूड चेंज कैसे हो गया, थोड़ा सा डस्ट ऑफ स्नोर सर बिगड़ जाती है, उसका मूड चेंज हो जाता है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर इस क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आपके सामने ये रहा कि व्हाट डस फायर स्टैंड फॉर इन द पोएम। फायर का मतलब क्या होता है, नफरत होती है, हेट्रेट होती है इसका मतलब। इसलिए हम क्वेश्चन नंबर 30 पर आगे बढ़ने वाले हैं कि व्हाट डज आइस स्टैंड फॉर। आइस किस चीज पर स्टैंड है, डिजायर के लिए। पोएम में डिजायर को बताया गया है, आइस से उसकी तुलना की गई है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं, ये पार्ट टू आप देख रहे हैं। हाउ डज द टाइगर टेरिफाइज द विलेजर्स, तो कैसे व्हाइट फैंग्स हिज क्लॉज मेकिंग एंग्री साउंड की वजह से डराता है विलेजर्स को। अगला क्वेश्चन है टाइगर स्टेयर इन द नाइट, कहाँ देखता है वो, तारों की तरफ देखता है। क्वेश्चन हर बार आता है, इस बार भी आएगा, इसलिए आप इसको अच्छे से याद कर लें। बंगाल टाइगर के बारे में क्वेश्चन कहा गया है, तो वाइल्ड बीस्ट अकॉर्डिंग टू द पोएट, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। अगला क्वेश्चन है वेयर डिड द बॉल गो, बॉल कहाँ से गई, वाटर बॉडी में बॉल चली गई। आपने ये क्वेश्चन देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, व्हाट डज इन द वर्ल्ड पोजीशन मीन का मतलब क्या होता है, तो इसमें लिखा है डिजायर, वर्ल्ड डिजायर टू पोजेस द थिंग्स, यही उसका मीनिंग होता है। व्हाट कुड अमांडा डू इफ शी वर मरमेड, अगर वो एक जल परी होती तो क्या करती, तो वो वहाँ घूमती समुद्र के आसपास। तो ये क्वेश्चन को आप आराम से देख लीजिए, वक्त की कमी हुई ऐसे हम सिर्फ क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। फाइंड थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन द ट्रीलेस फॉर, जहाँ पे पेड़ नहीं हो वहाँ क्या क्या होगा, तो वर्ड्स नहीं मिलेंगे, इंसेक्ट नहीं मिलेंगे, और सूर्य की परछाई भी वहाँ पर नहीं मिलेगी, ये होता है इस क्वेश्चन का मीनिंग। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, सीधे आपके सामने रहा 38 क्वेश्चन, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, क्वेश्चन ये रहा, मोस्ट टाइम भी क्वेश्चन हैं ये। अब सीधे ही हम अगले पेज की तरफ बढ़ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 38 जो है, वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, ट्री कहाँ है पोएम में, तो पोएट के घर पर है ट्री। व्हाट डज द पोएट कंपेयर द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज टू, किससे कंपेयर करता है। व्हाट डज द पोएट सैंडबर्ग थिंक द फॉग इज लाइक, और हाउ डज फॉग, व्हाट इज द कलर ऑफ यंग वुमन हेयर, व्हाई डज द यंग वुमन वांट टू चेंज, व्हाट डिड द कस्टर्ड डू एट लास्ट। क्वेश्चंस जितने भी आपके सामने ये आ रहे हैं, इन क्वेश्चंस का आप स्क्रीनशॉट लेकर क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए, आंसर भी इसमें लिखे हुए हैं, बहुत ही ईजी तरीके आंसर बताए गए हैं। वो टाइम की कमी की वजह से इनको डिटेल में मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप ये क्वेश्चन जो हैं वो आपके पोएम के क्वेश्चन आंसर हैं, और इसके बाद ही फुटप्रिंट के क्वेश्चन आंसर भी आएंगे, और ये पार्ट टू है, और लास्ट पार्ट जो वीडियो थर्ड जो आएगी उसमें सिर्फ मैं आपको बता दूंगा कि फुटप्रिंट के क्वेश्चन आंसर आपके सामने रख दूंगा। तो चैनल को आप फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखते जाइए, मेन वीडियो देखिए, पेपर को बहुत अच्छे तरीके से कही, बहुत फास्ट एंड फ्यूरियस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।